माही, लगता है किसी की गाड़ी खराब हो गई। तो देख ले, एक्सपर्ट हो तू तो। गाड़ी रोको अर्जुन, शायद उन्हें मदद की जरूरत हो। हेलो सर, एनी हेल्प? सुमित प्लीज। रुक भाई, भाई रुक। Nice to meet you, sir. I'm Gomes. Arjun. Sam. Sam. Sumit. Hi. She is Mahi, Rashi, Trisha, and Tapasya. Campaign trip? अंकल आप यहीं कहीं रहते हैं? नहीं बेटा, मैं तो शहर रहता हूँ। ओह, यहाँ पास में मेरा कॉटेज है, तो महीने में एक आध बार यहाँ पर आ जाता हूँ। आपका लॉकेट बड़ा एंटीक लग रहा है। खानदानी है। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम आपके कॉटेज में एक दो दिन स्टे कर सकते हैं? नहीं बेटे, वो जगह कैंपेनिंग के लायक नहीं है। वैसे भी वहाँ पर चौकीदार नहीं है, तुम खामखा परेशान हो जाओगे। ओह, और हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर एक झरना है, वहाँ पर चाहो तो कैंप फायर कर सकते हो। ओके अंकल, गॉड ब्लेस यू माय सन। मिस्टर गोम्स के बताए मुताबिक हमें साउथ में जाना चाहिए। हम इधर कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता है सर, अर्जुन हमें कहाँ ले जाएगा। मीन्स आई थिंक अर्जुन हमें मिस्टर गोम्स के कॉटेज ही ले जाएगा। रियली यार, यहाँ तो ताला लगा है। चौकीदार भैया, ओ चौकीदार भैया, हेलो हेलो चौकीदार भैया। मुझे पहले से ही डाउट था यहाँ कोई नहीं मिलने वाला, अब क्या करेंगे? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं मिल रहा। ओह, कुछ भी नहीं मिला। ना चील का बच्चे। कुछ तो करो यार। मेरे साथ अंदर कौन कौन चलेगा? मैं तैयार हूँ। किसी को कुछ पूछना है, मेरा बाहर इंतजार करें। Thank you.
वाओ यार, वंडरफुल हाउस। सो कूल यार। वाओ, ऑसम। मस्त है। बड़े ही भले इंसान हैं मिस्टर गोम्स। भले तो हैं, लेकिन अगर इन्हें पता चल जाए कि हम इनके कॉटेज का ताला तोड़कर अंदर घुसे हैं तो शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो आ ही गए हैं, बाकी बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। उम्मीद है आप लोग को अपने अपने कमरे पसंद आ गए होंगे। पसंद की क्या बात है, थैंक्स गॉड, कुछ तो है आज स्टे करने के लिए। बात तो सही है, चलो फिर डिनर पे मिलते हैं। हाँ। अरे त्रिशा, तुम्हें अपना कमरा मिल गया ना? हाँ। त्रिशा, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रूम शेयर कर सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके ओके, बाय बाय। त्रिशा नहीं आई अभी तक। लगी होगी मेकअप करने में। रोटियां तो ऐसे लेकर आई हो जैसे बटर चिकन बनाओ। साले जंगल में घास फूस के लाओ और कुछ नहीं मिलने वाला। आज का डिनर सैम की तरफ से। बटर चिकन? अबे ये कहां से लेकर आया? बाहर घूम रही थी, सोचा इसका शिकार कोई और करे, उससे पहले मैंने इसे दबोच लिया। तूने इसका शिकार कर तो लिया, लेकिन सुना है कि जंगल की आत्माओं को बटर चिकन बहुत पसंद है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हिस्से का भी पीस ले जाए। डोंट वेस्ट द टाइम, जब पेट में चले जाएगी तो काहे की जिंदा। अब इसे क्या हुआ? साला खाना खाने का मौका भी नहीं दिया। अरे यार, सब बातें ही करते रहोगे या जाके कोई कुछ करेगा भी? Thank you.
त्रिशा, क्या हुआ तुम्हें? त्रिशा, त्रिशा, मैं पूछता हूँ, क्या हुआ तुम्हें? त्रिशा, 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 मेरी तरफ देखो। त्रिशा, क्या हुआ तुम्हें? त्रिशा, त्रिशा की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कहीं मिस्टर गोम्स की बात सच तो नहीं। क्या यार, तुम शुरू मत हो जाना प्लीज। लेकिन जैसा त्रिशा बता रही है वैसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बस भी करो यार तुम लोग। रिलैक्स, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। त्रिशा, कहीं त्रिशा, कुछ बातें जिंदगी में अक्सर जुड़ जाती हैं और इसका आभास हम सबको होता है, और ये जगह कुछ स्ट्रेंज सी भी है। हम एक काम करते हैं, माही, त्रिशा को अपने साथ ले जाओ, अब से हमारे साथ रहेगी, ठीक है? कौन? Who's there?
केक काटने का टाइम। हैप्पी बर्थडे बेबी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राशि, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राशि, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्टूपिड। माही, अर्जुन, Oh!
एक्सक्यूज मी मिस्टर अर्जुन, आपको डॉक्टर मौर्य ने कैबिन में बुलाया है। डॉक्टर मौर्य? यस प्लीज कम इन। मेरी जिंदगी का यह पहला ऐसा केस है जिसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। मींस? मतलब ये कि त्रिशा को जब यहाँ लाया गया तो हमने उसके सिर की इंजरी को पहले स्टिच कर दिया। पूरी एग्जामिन करने के बाद एक अजीब बात सामने आई, त्रिशा का सिर्फ दिल ही धड़क रहा था। त्रिशा की हार्ट बीट एक मिनट में 200 के करीब चल रही है, जबकि नॉर्मली हार्ट बीट एक मिनट में 90 से 100 होती है। इतनी तेज गति के बावजूद त्रिशा की बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद है, आई पुल भी डेड ही समझो। इस क्रिटिकल कंडीशन में आगे क्या होगा पता नहीं। त्रिशा को जिंदगी सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। त्रिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कॉटेज में कैद हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तुम घबराओ मत त्रिशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हें बचा लेंगे। तुम लोग मुझे नहीं बचा पाओगे, मुझे मरना नहीं है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से निकालो।
मिस्टर गोम्स सही कह रहे थे, वो जगह हमारे लायक नहीं थी। पहले तो ये सोचो कि त्रिशा बार बार हमें मदद के लिए क्यों बुला रही है। ये वहम है हमारा। पहले त्रिशा ने सपने में राशि को बुलाया, फिर उसने अर्जुन से मदद मांगी। हो सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत हो, तभी तो। चलो मान भी लो तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन हम उसे बचाएंगे कैसे? मैं बचाऊंगा, मैं ही तुम सबको वहां लेकर गया था, मैं ही करूंगा त्रिशा की मदद। और हो सकता है त्रिशा ठीक हो जाए, मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। उसको बचाने का क्रेडिट तुम दोनों अकेले लेना चाहते हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना आसान नहीं है। पिछले कई सालों में मैंने ऐसे कई मरीज देखे हैं जो दुनिया ही नहीं रूहानी इलाज के मोहताज होते हैं। मतलब? मतलब कि जो तुम समझने की कोशिश कर रहे हो वो मैं पहले से ही समझ गई थी। त्रिशा की जान बचाने में तुम लोगों की मदद सिर्फ अमितेश जी ही कर सकते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमारी मदद कोई तांत्रिक कर सकता है? वो तांत्रिक नहीं है सर जी, अमितेश जी शहर में एक बड़ा नाम है, उन्हें तो गॉड गिफ्ट है। आप लोग एक बार अमितेश जी से मिलो तो। ऑर्कोलॉजिस्ट हैं, खंडरों में घूमना, वहाँ के बारे में जानना। कई बार तो मैंने खुद उन्हें रूहानी ताकतों से बात करते देखा है। ऐसे कई मरीजों को मैं अक्सर उनके पास ले जा चुकी हूँ, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैं सुबह ही आपको अमितेश जी के पास ले चलूँगी। सुबह नहीं, अभी। मुझे नहीं लगता है कि वो जीवित है। लेकिन अमितेश जी, उसका दिल तो अभी भी धड़क रहा है। ये आत्माएं हैं, दिखती क्या है, होती कुछ और हैं। क्या बोलती हैं, क्या करती हैं, इनको समझना बहुत आसान नहीं है। कुछ भी हो, त्रिशा ने हमसे मदद मांगी है, वो हमारी दोस्त है, हमें उसे लाना ही होगा। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, लेकिन यहाँ से जाना और उसको लेके आना, मतलब ईश्वर के बनाए हुए नियमों में उलट फेर करना, इसका नतीजा होगा हम सब की मौत। लेकिन ये भी तो हो सकता है अमितेश जी, हम वहाँ जाएं और वहाँ से आ जाएं, और हो सकता है कि त्रिशा को हमारी मदद की वाकई ज़रूरत हो। ठीक है, तो फिर हम अभी यहां से वहां के लिए निकल चलें। कॉटेज इन्हीं का है। माही,
मैं वॉशरूम होके आती हूँ। अपना ध्यान रखना। जो भी हो, पहले हमें त्रिशा के एक्सीडेंट की वजह तलाशनी होगी। अगर त्रिशा यहाँ पर है तो उसे किसने अपने काबू में कर रखा है? जो भी हो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। सही कहा, अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाएगी। चुका है। साफ साफ कहिए। मुझे नहीं लगता है कि हम यहां कामयाब हो सकेंगे। सिर्फ एक कोशिश, उसके बाद हमें यहां से जाना होगा। इसका मतलब हमारे पास टाइम कम है। सही समझे। राशि, तुम यहां से वापस चली जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। सुमित, चाहे जो भी हो, हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें त्रिशा के संकेत का इंतजार करना होगा। फिर भी कब तक? कुछ कह नहीं सकते। जब त्रिशा ने हमें बुलाया है तो हमें जरूर संकेत देगी। अमितेश जी, इसके अलावा और कुछ लगेगा? बस काफी है। आप सब तैयार हैं? जी जी। Thank you.
रिव्यू बना है। वो बहुत गुस्से में है। तुमने नियम तोड़ा है, सजा तो मिलेगी ही। ढूंढना चाहिए। चलो
मित्र जी, हमने राशि को हर जगह ढूंढ लिया, वो हमें कहीं नहीं मिली। हो सकता है वो माही को मिल जाए। राशि? Yeah.
अमिताभ जी क्या हुआ? मैं ठीक हूं। वो हम पे हावी होना चाहती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, यहां कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने अभी राशि को देखा, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है अमितेश जी, इसका क्या मतलब है? त्रिशा के जरिए मिस्टर गोम्स ने हमें यहां बुलाकर फंसा लिया है, और अब सभी कुछ भी करके हमें त्रिशा से बात करनी होगी, जिसके जरिए हम यहां आए हैं। हो सकता है उसी के जरिए हम यहां से निकल सके। त्रिशा, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं। तुम कहां हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। त्रिशा, त्रिशा जवाब दो। त्रिशा, रुको त्रिशा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं नहीं जा सकती, वो मुझे जाने नहीं देगा। अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है राशि कहाँ है? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, ये सब मुझसे करवाया जा रहा है। मतलब कि तुम भी नहीं बचोगे। से जीत पाए। क्या? मैंने बेसमेंट से अजीबोगरीब आवाजें सुनी है। हम इस चक्रव्यूह के शिकार बन जाएं, इससे पहले ही हमें इस जगह के सारे राज जानकर इस किस्से को यहीं खत्म करना होगा। यह एक पवित्र कटार है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारे काम आएगी। मुझे मिस्टर गोम्स को अपने अंदर बुलाकर यह पता लगाना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि इसमें मिस्टर गोम्स मुझ पर हावी हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो इस कटार से तुम मुझे मार डाल। लेकिन अमित जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें, वरना हम में से कोई भी यहां से बचकर बाहर नहीं जा पाएगा।
ये सब क्या हो रहा है? जोसेफ, क्या है ये सब कुछ? क्या है ये? तहजीब है हमारी? और कौन है ये लोग? जोसेफ, क्या है ये सब कुछ? ये मेरा घर है। हद है बेशर्मी की। ये तौर तरीके हैं तुम्हारे? लानत है तुम पे, लानत। शेम ऑन यू। शर्म नहीं आती तुमको? ये कर रहे हो? ये भविष्य है तुम्हारा? ये फ्यूचर है? अरे शर्म आना चाहिए तुमको। आउट, आउट, आउट। डूब मरो चुल्लो भर पानी में। शर्म आती है मुझे तुमको अपना बेटा कहते हुए। जोसेफ ने अपने पिता मिस्टर गोम्स की हत्या तो कर दी, लेकिन उसके बाद उसने खुद को एक तरह से हवेली में कैद कर लिया। मिस्टर गोम्स के ना होने पर जोसेफ डिप्रेशन में रहने लगा था। धीरे धीरे उसे हवेली की हर चीज से दहशत होने लगी और आखिर में उसने अपने आप को भी खत्म कर दिया। हमें बेसमेंट में जाना होगा। इसका मतलब यह है कि मिस्टर गोम्स के बेटे ने उन्हें मारकर बेसमेंट में रखा था? बिल्कुल सही। और शायद वो मुक्ति भी चाहते हो। या फिर ये भी तो हो सकता है कि जोसेफ के बुरे बर्ताव की वजह से मिस्टर गोम्स यंगस्टर से इतनी नफरत करते हो। तभी मिस्टर गोम्स ने इस कॉटेज का पता आसानी से बता दिया, ताकि वो हमें यहाँ फंसा कर आसानी से मार सके। जो भी हो, हमें जल्द से जल्द बेसमेंट में जाना होगा।
इस चक्रव्यूह से निकलना इतना आसान नहीं है। सीढ़ियों की जगह एक कमरा है, ये कैसे हो सकता है? मैं खुद दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से उतरकर दलघर में गया था। जैसा कि अमितेश जी कह रहे हैं कि वो बेसमेंट में गए थे और उन्होंने वहां पर राशि को देखा, इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि यहाँ बेसमेंट है, लेकिन कहाँ? हमें मिलकर बेसमेंट को ढूंढना होगा, क्योंकि इस स्टोरी का डी एंड वहीं है। साथ मिलकर ढूंढने का टाइम नहीं है हमारे पास, जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। अलग अलग रहने का नतीजा तो तुम सब देख चुके हो, मुझे लगता है साथ रहने में ही भलाई है। लेकिन अर्जुन, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमें जल्द से जल्द बेसमेंट का पता लगाना होगा। माही तुम मेरे साथ रहो, त्रिशा राशि और तपस्या के बाद अब वो तुम पर हावी होना चाहता है। अभी रात के 2 बजे हैं, हमें अपनी अपनी घड़ियों के टाइम मिला लेना चाहिए। हमें बेसमेंट मिले या ना मिले, हम ठीक 10 मिनट में यहां वापस आ जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो अर्जुन। अपना ख्याल रखना। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? नहीं। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, हो सकता है वो फिर तुम्हें लेने आ जाए। तुम्हें डरा है, तुम्हें पुकारे, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज पर अपना ध्यान नहीं रखना है। अपना ध्यान सिर्फ अच्छाई पर लगा रखो, क्योंकि अच्छाई ही हर बुराई को खत्म करती है। Thank you.
अभी माही की आवाज चल जल्दी चल अमिताजी घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। अर्जुन माही माही अर्जुन तू इनका ख्याल रख, मैं माही को देखता हूँ। अमिताजी हिम्मत रखिए, हम यहाँ से जल्द बाहर निकलेंगे। लॉकेट तोड़ दो मितेश जी। अमितेश जी
नहीं। बचेगा यहां कोई नहीं।